नमस्कार, रनआउट डाइट में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे उच्च रक्तदाब में क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए। अक्सर देखा होगा उच्च रक्तदाब वालों को भोजन में विशेष करके नमक और बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का प्रतिबंध लगाया जाता है। आगे हम बताएं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि स्वास्थ्य संबंधित जागरूकताओं के बारे में ज्ञान मिल सके। और बेल आइकॉन घंटी दबाइए जिससे नए वीडियो आप तक अपडेट पहुंचे। डेयरी प्रोडक्ट, जी हाँ, इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो लो फैट डाइट अर्थात कम वसा वाली और लो सैचुरेट फैट जो संतृप्त वसा होती है, वह आहार पर प्रतिबंध करना जरूरी है। और संतुलित पोटेशियम संतुलित मैग्नीशियम वाली डाइट होना जरूरी है। और आपके आहार के अंदर दूसरे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन और कैल्शियम, वो भी संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है। जब आप ये संतुलित आहार लेंगे तो आपके उच्च रक्तदाब में नियंत्रण होने की संभावना 100% बनेगी। सिर्फ ज्ञान के अभाव में या भूल और भ्रम की वजह से इंसान अपनी डाइट प्लान में आहार नहीं लेता है और सीखा हुआ आचरण की वजह से पुराने जो हैबिट होती है उसी को खाने में रहता है। और कोशिश कीजिए तले भूले आहार न लें जिससे और शरीर में मोटापा होने की संभावना हो। देखते रहिए, इस तरह छोटे छोटे टिप्स आपको दिए जाएंगे और आप इन टिप्स से फ़ायदा लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।